नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GSY निरसर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो क्लास है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आज के इस क्लास में हम लोग जो है रेखा वर्ण तानपुत अंतराल के लगभग टॉप 35 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। टॉप 35 क्वेश्चंस यहाँ हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो जो है पेन पेपर उठा के बैठ जाइएगा, हमें उम्मीद है कि आप लोग उठा लिए होंगे। क्लास नंबर ना लिखा जाए तो इसका ये मतलब नहीं है कि बेटा जो है ये TGT के लिए नहीं है या हमारे लिए नहीं है, हमने तो पूरा पढ़ रखा है। सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो लक्ष्य बैच से जुड़े हुए हों या फिर बाहर वाले, ठीक है। ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, देखना बहुत ज़रूरी बनता है। क्वेश्चंस का लेवल आप देखेंगे कि बहुत हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आपकी तैयारी बेटर होती है तभी हल्का दिखाई देता है, अन्यथा बहुत टफ क्वेश्चंस होते हैं। फिलहाल हम लोग जो है TGT आर्ट को टारगेट कर रहे हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर को टारगेट कर रहे हैं, और वो भी आर्ट वाले सब्जेक्ट में। तो दूसरे विषय के लोग यहाँ पर फ़ोन करके परेशान ना करें बेटा कि इस विषय का नोट्स मिल जाएगा, इस विषय का मिल जाएगा, इसका क्या फ़ीस है, ठीक है। तो ये लोग थोड़ा उचित दूरी बनाए रखें, परेशान ना करें बेटा, ठीक। नोट्स पोर्ट्स की बुकिंग बंद कर दी गई है, आप जानते ही हैं। केवल और केवल अब पढ़ाई पे ध्यान देना है। जिन लोगों का नहीं पहुंचा है उन लोगों तक नोट्स किसी तरह से पहुंचा दिया जाए। जिनकी बुकिंग हो चुकी है उन्हीं का डाटा हम भेज रहे हैं। 6-7 दिन से बुकिंग बंद है, आप जानते ही हैं, 4-5 दिन हो गया बुकिंग बंद हुई, तो उन लोगों का डाटा पहुँच जाए। बस हम अपने आप को जो है समझ लीजिए कि बहुत पुण्य काम कर चुके। इतने सारे फ़ोन कॉल्स, इतने सारे मैसेज रिसीव करना हमारे बस की बात नहीं है, हम बहुत परेशान हो चुके हैं। कोई भी आता है टिक नहीं पाता, भाग ही जाता है, चाहे जो जितना कर्मठ क्यों ना हो, चाहे जो जितना ईमानदार क्यों ना हो, टिक नहीं पाते हैं, सब भाग जाते हैं। 4 दिन में ही परेशान होकर के भाग जाएंगे। तो इसलिए ये सब एक्स्ट्रा प्रक्रिया हैं, उन्हें हम बंद कर रहे हैं और इस पर फोकस कर रहे हैं। हाँ, मॉडल पेपर, हस्तलिखित मॉडल पेपर की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो उसे हम लॉन्च करेंगे, उसे लॉन्च किया जाएगा, उसकी फ़ीस भी न्यूनतम रखी जाएगी, लेकिन वो PDF फॉर्मेट में ही दिया जाएगा, उसको PDF फॉर्मेट में ही उतारा जाएगा, उसमें कोई डाउट्स नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक है, इसे हम लोग देखते हैं क्लास, और बहुत महत्वपूर्ण क्लास है बेटा, याद रखना है। 35 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चंस कह रहा है चंबा की रेखाएं किस रंग से बनाई गई हैं। चंबा कला में जो रेखाएं बनाई जाती थी किस रंग से बनाई जाती थी बेटा? तो चंबा कलाओं में मूल रूप से जो रेखाएं बनाई जाती थी, पतली रेखा यानी बारीक रेखा बनाई जाती थी। तो ऑप्शंस में दिया गया कि लाल पीला हरा रंग से बनाया गया, कि काला सफ़ेद से बनाया गया, कि लाला लाल से बनाया गया, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से सभी। तो बड़ा चंबा काल में जो रेखाएं बनाई जाती थी लाल और काला रंग से ज़्यादातर दिखाई देती हैं। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है। क्वेश्चंस पोस्ट ग्रेजुएट टीचर आर्ट में पूछा गया है 2010 में, याद रखना है। दूसरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे काल में कहा गया है कि ग्वास रंगों की प्रकृति कैसी है। ग्वास रंगों की प्रकृति कैसी है बेटा? ऑप्शंस में है अपारदर्शी, मोटी परत, पारदर्शी या फिर चमकीला। बेटा गॉस रंग की जो प्रकृति होती है वो अपारदर्शी होती है, सदैव अपारदर्शी होती है, क्योंकि पोस्टर में, तेल में, टेम्परा में इस प्रकार के जो माध्यम होते हैं सब ज़्यादातर अपारदर्शी ही होते हैं। तो गॉस रंग भी अपारदर्शी रंगों की श्रेणी में आता है। राइट आंसर ए के साथ जाएगा, ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 में कहा जाता है ग्वास रंगों की प्रकृति कैसी होती है। पुनः क्वेश्चन रिपीट हो गया, पारदर्शी, परावर्ती, अल्प पारदर्शी या फिर अपारदर्शी। अभी जस्ट आपने देखा है कि पोस्टर रंग हो, तेल रंग हो या फिर टेम्परा माध्यम हो, इन सब में ज़्यादातर जो रंग लगाए जाते हैं वो अपारदर्शी लगाए जाते हैं। तो ग्वास रंग कैसा होगा बेटा? अपारदर्शी होगा। राइट आंसर डी के साथ बन जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है इनमें से कौन असंबद्ध है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, रूप वर्ण भाव चित्रकार। यहाँ आप देखेंगे तो असंबद्ध क्या हो जाएगा बेटा? चित्रकार हो जाएगा, क्योंकि रूप होता है, भाव होता है, वर्ण होता है, ये चित्र रचना के मूल तत्व माने जाते हैं। जबकि चित्रकार क्या होता है? यही खुद तो चित्र रचना करता है, तो चित्रकार अलग है, बाकी ये सब उसके गुण हैं। तो रूप वर्ण भाव मूल रूप से
सेम है लेकिन चित्रकार यहाँ पे भिन्न माना जा रहा है, क्योंकि चित्रकार रचनाकार होता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 में कहा गया है, प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम किसके द्वारा देख सकते हैं? अगर प्रकाश में रंग उपस्थित है तो उसे हम किसके द्वारा अलग कर सकते हैं? दर्पण के द्वारा, दूरबीन के द्वारा, प्रिज्म के द्वारा या फिर एक्सरे के द्वारा? तो बेटा प्रकाश में अगर उपस्थित है रंग तो उसे हम लोग प्रिज्म के थ्रू देख सकते हैं। आप जानते होंगे प्रिज्म इस टाइप की होती है रचना, इस साइड में प्रकाश आएगा और इस साइड में 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा, विभजोर में बट जाएगा। तो ये तो आप जानते ही हैं कि विभजोर में बटता है, 7 रंगों में बटता है। 7 रंग कौन कौन से होते हैं तो आप ये भी जानते हैं। विभजोर आता है, विभजोर में कौन कौन से रंग आएंगे उसे आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो प्रिज्म के द्वारा अलग किया जाता है। प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 में कहा गया है, ऑफसेट कलर प्रिंटिंग के 4 कलर होते हैं। बेटा ऑफसेट कलर वाले जो प्रिंटिंग होते हैं उसमें कौन कौन से रंग मिलाए जाते हैं? ऑप्शंस में है लाल, हरा, नीला, काला, हरा, लाल, पीला, नीला, सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक या फिर नीला, लाल, पीला, काला। बेटा ऑफसेट कलर प्रिंटिंग में मूल रूप से कौन कौन सा रंग मिलाया जाता है? तो ऑफसेट कलर में आप जानते होंगे कि यहाँ पे सियान मिलाया जाता है, मैजेंटा मिलाया जाता है, येलो मिलाया जाता है और ब्लैक मिलाया जाता है। तो ऑफसेट प्रिंटिंग में ज़्यादातर यही डाटा दिखाई देता है। अच्छा, प्राइमरी रंग कौन कौन सा होता है? आप जानते होंगे प्राइमरी रंग अपने जो है कंप्यूटर जो होता है आपके आसपास रहता है उसके स्क्रीनों पर दिखाया जाता है। तो लाल, हरा, नीला मूल रूप से लाल, हरा और नीला जो है मूल रूप से प्राइमरी रंग कहलाता है। लाल, हरा, नीला प्राइमरी रंग है, याद रखना है, डाटा पूछा जाता है। लाल, हरा, नीला कैसा रंग है? प्राइमरी रंग होता है। इसका राइट आंसर जो है सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक हो जाएगा, बी राइट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 में कहा गया है कि किस रंग के मिलान से ग्रे रंग बनता है? बेटा कौन सा दो रंग आपस में मिला दिया जाए तो भूरा रंग तैयार हो जाएगा, यानी ग्रे रंग तैयार हो जाएगा। ऑप्शंस में है काला, हरा, काला, पीला, काला, नीला, काला, सफ़ेद। तो आप जानते हैं काला प्लस सफ़ेद मिला दो आपस में जो है भूरा रंग तैयार हो जाएगा। राइट आंसर किसके साथ बनेगा? तो बेटा राइट आंसर डी के साथ बनेगा। काला और सफ़ेद को मिलाओ, ग्रे रंग यानी भूरा रंग तैयार। प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8 में कहा गया, आप किन दो रंगों को मिला करके लगभग काला रंग बना सकते हैं? बेटा काला रंग अगर आपको बनाना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? भूरा हो, भूरा के साथ नीला अगर मिलाए दोगे तो मूल रूप से ये कैसा रंग बनेगा? काला रंग। तो भूरा प्लस नीला इक्वल टू काला हो जाता है, भूरा प्लस नीला इक्वल टू काला हो जाता है, जबकि काला प्लस सफ़ेद इक्वल टू भूरा बनता है। तो काला सफ़ेद भूरा होता है, भूरा के साथ नीला मिला दो तो ये काला हो जाता है। तो भूरा प्लस नीला इक्वल टू काला हो जाएगा। ये रंगों का गुण है बेटा, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 में कहा गया है, आप किन दो रंगों को मिलाकर के काला रंग बनाएंगे? लाल नीला मिलाएंगे, कत्थई नीला मिलाएंगे, हरा नीला मिलाएंगे या फिर कत्थई हरा मिलाएंगे? तो बेटा लाल प्लस नीला मिला दो तब भी बन जाएगा काला, लाल प्लस नीला मिला दो और मूल रूप से कौन सा रंग? भूरा प्लस नीला मिला दो तब भी काला ही बनता है। तो काला रंग बनाना है, लाल नीला मिला दो काला हो जाएगा, ठीक है। तो लाल प्लस नीला भी बनता है और लाल प्लस भूरा भी, सॉरी नीला प्लस भूरा भी बनता है, नीला प्लस भूरा भी बनता है काला और लाल प्लस नीला भी बनता है काला, याद रखना है। भूरे के साथ नीला रंग मिलाएंगे तब भी काले रंग प्राप्त होता है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 की। प्रश्न संख्या 10 में कहा गया है, कौन से रंग अधिक भार का होता है? कौन से रंगों में अधिक भार होता है? ठंडे रंग, तैल रंग, जल रंग, गर्म रंग। बेटा भार जिसमें ज़्यादा होगा उसका नाम क्या होगा? तो उसका नाम होगा गर्म रंग, ठीक है। तो गर्म रंगों में भार जो है ज़्यादा होता है। राइट आंसर जो है डी के साथ बन जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर। अच्छा, शीतल रंग कौन कौन से होते हैं? तो शीतल रंग का भार बेटा सदैव कम होता है, शीतल मतलब ठंडकता प्रदान करने वाले रंग, तो उसका भार कम होगा। लेकिन जो है गर्म रंग का भार जो है सदैव ज़्यादा होगा। तो राइट आंसर डी के साथ बन जाएगा। प्रश्न संख्या 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 में कहा गया, गर्म रंग कौन सा है? गर्म रंग कौन सा है? ऑप्शंस में है नीला, पीला, लाल, उपयुक्त सभी। बेटा गर्म रंग की श्रेणी में यहाँ पे सभी काम लिखे हुए हैं, नीला, पीला, लाल सब जो है मूल रूप से गर्म रंग की श्रेणी में आ जाते हैं। तो उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन लाल जो है इसमें सबसे ज़्यादा आकर्षक रंग होता है, लाल जो है सबसे ज़्यादा गर्म रंग होता है। आगे प्रश्न संख्या 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 में कहा गया, निम्नलिखित में से गर्म रंग कौन सा है? बैगनी, लाल, हरा, भूरा। बैगनी, लाल, हरा, भूरा में गर्म रंग कौन सा है बेटा? तो लाल रंग को आप जो है गर्म रंग के श्रेणी में रखेंगे, सी राइट आंसर बनेगा।
प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। पूछ लिया गया लाल रंग किसका प्रतीक है, लाल रंग किसका प्रतीक है, घृणा का है, शांति का है, प्रेम का है या फिर पराक्रम का है। बेटा लाल रंग जो प्रतीक माना जाता है वो किसका माना जाता है, तो लाल रंग आप जानते हैं कि पराक्रम का प्रतीक कहा जाता है, तो लाल रंग मूल रूप से किसका प्रतीक है, पराक्रम का प्रतीक है। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है, पराक्रम इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14 में पूछा गया बेटा उस रंग का चयन करें जो तेज गर्म रंगों का हिस्सा नहीं है, तेज गर्म रंगों का हिस्सा नहीं है उसे चयन करना है। लाल, नीला, नारंगी, पीला, राइट आंसर क्या होगा बेटा, तेज गर्म रंग में कौन नहीं है यहाँ शामिल, तो बेटा नीला रंग बहुत तेज गर्म रंग में नहीं शामिल है, राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा तेज रंग कौन सा है, तो लाल है, याद रखना है। प्रश्न संख्या 15 की तरफ बढ़ते हैं, 15 में पूछा गया है कौन सा रंग ठंडा होता है, कौन सा रंग ठंडा होता है, पीला, काला, लाल, नीला, बेटा ठंडा रंग कौन सा होता है, तो आप जानते हैं कि जो नीला रंग है वो हमें ठंडा ही प्रदान करता है, तो ठंडा हो जाएगा, डी राइट आंसर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 16 की तरफ बढ़ते हैं, पूछा गया शीतलता प्रभाव उत्पन्न करने के लिए रंग कौन सा होता है, तो शीतलता प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग कौन से हैं बेटा, लाल पीला है, काला सफ़ेद है, नीला हरा है या फिर लाल काला है, तो शीतलता प्रभाव उत्पन्न करने के लिए मूल रूप से नीला और हरा रंग आता है, राइट आंसर बी के साथ बन रहा है, बी इज द राइट आंसर, ठंडक प्रदान करने वाले रंग हैं वही। प्रश्न संख्या 17 की तरफ बढ़ते हैं, पूछा गया प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है, प्रजनन और विकास के लिए कौन सा रंग उपयोगी है, हरा, नीला, लाल, नारंगी, बेटा प्रजनन और विकास के लिए जो प्रतीकात्मक रंग है वो हरा है, हरा से दर्शाएंगे तो यानी प्रजनन को दिखाएगा या फिर विकास को दर्शाने का प्रयास करेगा, तो राइट आंसर ए के साथ हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 की तरफ बढ़ते हैं, पूछ लिया गया बैगनी रंग हमें कैसा प्रभाव देता है, ज्ञान का, घृणा का, बुराई का या फिर राजसी का, थोड़ा बैगनी रंग मूल रूप से कैसा प्रभाव दर्शाता है, राजसी का प्रभाव दर्शाता है, राइट आंसर डी के साथ बन जाएगा, राजसी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19 की तरफ बढ़ते हैं, 19 में कहा गया है कौन सा रंग जो है, कौन सा शीतल रंग ग्रुप है, शीतल रंग का ग्रुप इसमें से कौन सा है, पीला, लाल, नीला, नीला, हरा, लाल, बैगनी, पीला, नीला, लाल या फिर हरा, नारंगी और लाल, तो बड़ा शीतल रंग का ग्रुप माना जाता है वो मूल रूप से कौन सा माना जाता है, तो नीला होगा, हरा होगा, नीला होगा, बैगनी होगा, तो राइट आंसर बैगनी के साथ जाएगा, यानी बैगनी, नीला, हरा और नीला, राइट आंसर बी के साथ बन रहा है, बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 20 की तरफ बढ़ते हैं, 20 में कहा जाता है सर्वाधिक सामंजस्य उत्पन्न करने वाले वर्ण कौन से हैं, सबसे ज़्यादा सामंजस्य कहाँ उत्पन्न होता है, पीला, नारंगी में, सफ़ेद, काला में, लाल, हरा में या फिर लाल, सफ़ेद में, बड़ा सबसे ज़्यादा जो सामंजस्य आप उत्पन्न कर सकते हैं वो लाल और हरा के साथ कर सकते हैं, तो लाल और हरा राइट आंसर बनेंगे, यानी बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 की तरफ बढ़ते हैं, 21 में पूछा गया है किस वर्ण में कंपन गति सबसे ज़्यादा होती है, कौन सा वर्ण ऐसा है जहाँ कंपन गति ज़्यादा होती है, ऑप्शंस में है पीला, बैगनी, नीला, लाल, पीला, बैगनी, नीला, लाल में कंपन गति सबसे ज़्यादा बैगनी की है, सी राइट आंसर हो जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 की तरफ पढ़ते हैं, 22 में पूछ लिया गया है किस रंग की कंपन गति सबसे कम और तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है, बेटा वह कौन सा रंग है जिसकी कंपन गति कम है और तरंग लंबाई ज़्यादा है, ऑप्शंस में है पीला रंग, लाल रंग, हरा रंग, नीला रंग, राइट आंसर क्या बनेगा बेटा, तो कंपन गति ज़्यादा है, सॉरी सबसे कम है और तरंग लंबाई सबसे ज़्यादा है, बेटा तरंग की लंबाई आप जानते हैं लाल की ज़्यादा होगी तो कंपन गति उसकी कम होगी, ए नहीं सी के साथ राइट आंसर बन रहा है, सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 23 की बात करते हैं, पूछा गया वर्ण क्या होता है, प्रकाश की संपत्ति है, रेखांकन की संपत्ति है, संवेदना की संपत्ति है या फिर वस्तु की संपत्ति है, बेटा वर्ण मूल रूप से प्रकाश की संपत्ति कहलाता है, राइट आंसर एक साथ बन रहा है, प्रकाश की संपत्ति वर्ण कहलाता है, ये राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 24 की तरफ बढ़ते हैं, 24 में पूछा गया है वर्ण क्या होता है, बेटा वर्ण क्या है, आप देखे हैं प्रकाश का गुण है, अभी जस्ट क्वेश्चन सॉल्व किया गया, प्रकाश का गुण वर्ण होता है, राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 25 में पूछा गया रंग क्या है, कलर स्टिक है, कलर बॉटल है, कलर केक है या फिर प्रकाश का गुण है, तो आप जानते हैं बेटा रंग क्या होता है, रंग जो है प्रकाश का गुण होता है, राइट आंसर डी के साथ बनता है, डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 26 की तरफ बढ़ते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन में कहा गया वर्ण के कितने गुण होते हैं, वर्ण के कितने गुण होते हैं, ऑप्शंस में है 1, 3, 2, 4, बेटा वर्ण के मूल रूप से 3 गुण बताए गए हैं,
राइट आंसर सी के साथ बनेगा, 3 गुण इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 27 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया रंगों को अधिक मिलाने से क्या खत्म होता है, रंगों को अगर ज़्यादा मिला दिया जाए तो क्या खत्म हो जाएगा, विस्कोसिटी खत्म होगा, मान खत्म होगा, तान खत्म होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बेटा अगर रंगों को ज़्यादा मिलाया जाएगा तो मूल रूप से माना जाता है कि उसका मान कम हो जाता है, रंगों को अगर ज़्यादा मिला दिया जाए तो उसका रंगत यानी मान कम हो जाएगा। राइट आंसर सी के साथ बनेगा, मान जो है कम होता है, मान तथा सघनता दोनों घट जाती है बेटा। तो राइट आंसर सी के साथ बनेगा। प्रश्न संख्या 28 की तरफ बढ़ते हैं। 28 में पूछा गया है रंगत के हल्के और गहरेपन को क्या कहा जाता है, रंगत के हल्के और गहरेपन को मूल रूप से क्या कहा जाता है बेटा, मान कहते हैं, सघनता कहते हैं, तान कहते हैं, या फिर पोत कहते हैं। तो रंगत के हल्के और गहरेपन को हम लोग तान कहते हैं। सीधे परिभाषा पूछा गया TGT 8 2011 में, याद रखना है रंगत के हल्के और गहरेपन को क्या कहा जाता है, तान कहा जाता है, तान कहा जाता है, याद रखना है। बी राइट आंसर हो रहा है। प्रश्न संख्या 29 की बात करते हैं। 29 में क्या पूछा गया बेटा, पूछा गया है रंग को तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं, इसे हमने पढ़ाया है बेटा, रंग को तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं, हु कहते हैं, क्रोमा कहते हैं, वैल्यू कहते हैं, या फिर बिबग्योर कहते हैं। बेटा आप जानते हैं रंग को तकनीकी भाषा में या चित्रकारी भाषा में मूल रूप से हु कहा जाता है, हु। राइट आंसर ए के साथ हो रहा है, ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 30 की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया इंद्रधनुष के रंग का सही क्रम बताइए, यानी विवजोर का सही क्रम आपको बताना है, विवजोर में सही क्रम में आपको लगाना था, क्या राइट आंसर बनेगा ये आपको बताना है। ऑप्शंस में है हरा, लाल, पीला, आसमानी, बैगनी, नारंगी, लीला, या फिर बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। क्रम कुछ लग रहा है ना, पीला, बैगनी, पीला से स्टार्ट नहीं होता, आसमानी से स्टार्ट नहीं होता, बैगनी से स्टार्ट होगा, लाल लास्ट में होगा बेटा, रही राइट आंसर होगा, यानी बी इज द राइट आंसर। बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल मूल रूप से इंद्रधनुष के रंग हैं, यही 7 रंग पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 31 में। प्रश्न संख्या 31 में क्या कहा गया बेटा, कौन सा रंग इंद्रधनुष का हिस्सा नहीं है। ऑप्शंस में है भूरा, नीला, बैगनी, नारंगी। आप जानते हैं भूरा का कोई नामोनिशान वहाँ नहीं है। राइट आंसर ए के साथ हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 32 की बात करते हैं। पूछा गया इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, बेटा इंद्रधनुष के कितने रंग होते हैं, 7, 3, 12, 8। बेटा इंद्रधनुष में आप जानते हैं जब 7 रंग होते हैं तो राइट आंसर ए के साथ जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 33 की बात करते हैं। 33 में पूछा गया है नीले रंग के पूरक अथवा विरोधी रंग का नाम बताइए, नीला का विरोधी क्या है, लाल, बैगनी, पीला, नारंगी। आप जानते हैं बेटा नीला का फिर जो है पूरक या फिर विरोधी रंग नारंगी होता है। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है, डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 34 की बात करते हैं। 34 में पूछा गया है बैंगनी रंग विरोधी है, बड़ा बैंगनी रंग किसका विरोधी है, पीले का, लाल का, नीले का, या फिर हरे का। तो बैंगनी रंग जो विरोधी कहलाता है वो पीले रंग का कहलाता है। राइट आंसर जो है ए के साथ बन रहा है, ए इज़ द राइट आंसर हो रहा है, याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 35, विरोधी रंग क्यों जो है कौन से हैं, या विरोधी रंग कौन सा है, लाल हरा है, पीला लाल है, नीला हरा है, या फिर नीला बैगनी। तो विरोधी रंग लाल के साथ हरा बना हुआ है, यही विरोधी हो जाएगा। राइट आंसर ए के साथ हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। कुल मिलाकर के हमें लग रहा है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ यहाँ से भी सीखने को मिला होगा। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। पसंद आता है तो थोड़ा लाइक कर दीजिएगा और मित्रों के बीच ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ। मिलते हैं शुरू में, तब तक के लिए जय हिंद।